हमारे तो ये कहते हैं ना, ये शरीफों का कहाँ काम है। असल में बेटा अपने वालिद से ही सीखते हैं, वो खुद भी बहुत ज्यादा सियासत में इन्वॉल्व थे। सारी जो फरमाइशें माँ से पूरी होती हैं, अब्बा से। अब्बा से फैमिली ने काफी सैक्रिफाइस किया है इसमें, बच्चों ने और वाइफ ने खास तौर पे। आजकल के हालात को देखते हुए अपने बेटे को यही कहा कि बेटा बस अब बिजनेस एक से काम है। एमक्यूएम मेरी सबसे बड़ी सौगंध है। कोई भी इंसान है अगर उसके घर में आप हमला करेंगे तो वो रिएक्ट करेगा। मैंने तो तब यही खो दिया। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ सादिया इमाम और आप देख रहे हैं समा के मेहमान। जनाब आज मैं एक दफ़ा फिर अपने शहर कराची में मौजूद हूँ और आपको मिलवाने के लिए एक बहुत स्पेशल और इंटरेस्टिंग पर्सनालिटी से आई हूँ। आजकल जितनी छिनातानी जितनी धड़ाधड़ी मची हुई है उसके लिए इनसे मिलना बहुत ज़रूरी था, जानना बहुत ज़रूरी था कि कराची में हो क्या रहा है। इस तू मैं को आज सुलझाने के लिए मैंने सोचा क्यों ना पकड़ ही लें हम सैयद अली रज़ा साहब को। आइए चलते हैं, इनसे बात करते हैं, आपको भी मिलवाते हैं और कुछ दिल की बातें भी होंगी और कुछ कड़वी कसीली बातें जो सबको मेरी लगती बगैर होती रही है। एक वन टू वन जरा जो हमारी एक गपशप होती वो होनी चाहिए। फैमिली की जो शिकायतें होती है ना वो काफी सहनी पड़ती होंगी आपको। जी काफी, इसमें पॉलिटिक्स में खैर पहले से तो नहीं था लेकिन जब शौक था और अपनी पार्टी के साथ ज़रूर मैं इन्वॉल्व था लेकिन कोई पोजीशन नहीं थी, लेकिन जब पहली दफ़ा 2013 के इलेक्शंस के बाद इन्वॉल्वमेंट शुरू की है तो उसमें ये ज़रूर हुआ है कि जी फैमिली ने काफ़ी सेक्रीफाइस किया है इसमें, बच्चों ने और वाइफ ने। और वालदैन ने कि जो घर पे टाइम दिया जा सकता था या इनके साथ टाइम हो सकता था वो आवाम की खिदमत में और पब्लिक में और अपनी कॉन्स्टिट्यूएंसी में ज़्यादा उसको दिया, वहाँ पे तवज्जो रही। आइए मिलते हैं इनके काम की से। जी जनाब, फाइनली जिसका मैं जिक्र कर रही थी पूरी फैमिली इसमें मेरे साथ मौजूद है, भाभी मौजूद हैं, बेटा इशफाक मौजूद है। बेटा आप लोग अपना अपना तारुफ कराएं, ज़ारा कुछ मिक्स में नाम लूँगी से बेहतर है कि सब अपने अपने नाम बता दें। ज़ारा, ज़ारा का नाम मुझे याद, रुबाब, रिदा। भाभी से सबसे पहले तो बात कर दी चाहिए ना कि मतलब सियासत में आने के बाद वो कहते हैं ना मैंने तो अपना यही खो दिया, कहाँ गए सियासत के नज़र हो गए। खुल के आज हो जाए भाभी, हाँ बता दे। सौकनों के साथ शेयर करना पड़ता है मुझे, एमक्यूएम मेरी सबसे बड़ी सौकन है। दैट्स ग्रेट, सीरियसली ये मुझे हर सियासतदान की बीवी ने उस जमात के लिए यही बोला है। नून लीग से बात करी तो वो कहते जी नून लीग मेरी सौकन है, पीपल्स पार्टी वालों से बात करो तो कहते जी पीपल्स पार्टी मेरी सौकन है, तो एमक्यूएम आपकी सौकन है। बिल्कुल। जहर लगता होगा आपको जब घर में कोई आ जाता होगा कि फिर मीटिंग शुरू हो गई। कह नहीं सकते कुछ मगर जी। बड़े सियासी से आपने लोग अपने घर के भी बना दिए हैं रिजा भाई। नहीं, अपना आप उसके जो लेकिन बस वो वाला टाइम जिसमें बच्चों को जरूरत होती है आपको जरूरत होती है उसमें ये होते हैं या नहीं होते हैं या उसके लिए कोशिश करते हैं। कोशिश करते हैं, बच्चे भी बहुत अंडरस्टैंडिंग है। हाँ राइट, कोशिश करते हैं। ये तो जानते हैं ना, अभी जरा अशफाक पहले बताएगा है बाबा जरा, या माँ के लाडले होते हैं बेटे, वैसे माँ के लाडले होते हैं, बेटियाँ जो होती हैं ना वो बाप के जिगर का टुकड़ा होती हैं। तो तुम किसके जिगर का टुकड़ा पहले ये तो बताओ। किसी को नहीं मेरा है भाई, मुझे दे दो ये छोटा बेबी। अच्छा ये नहीं, सारी जो फरमाइशें माँ से पूरी होती हैं अब्बा से। अब्बा से फोन लेना है, गैजेट्स लेने हैं,
ये लेना है ना, बात अब्बा से, अब्बा से हाँ। खाने पीने की बातें अम्मा से, फरमाइशें है। वैसे घर में किस तरह का अब्बा का गुस्सा कैसा है? गुस्सा नहीं है ही नहीं है, सिखाना पड़ता है अब गुस्सा करें। सीरियसली गुस्सा नहीं करते। कभी आज तक तुम लोगों को डांटा नहीं? एक दो दफा डांटा। और किस बात पे? याद नहीं। ये भी याद नहीं आ रही है? ऐसे अब एक दो फोटो स्टेट निकलवा के प्लीज भिजवा दे। सीरियसली आजकल आना बंद हो गए। वो कहते कुछ लोग आना बंद हो गए, ये वाली अब जो जनरेशन थी ना इन लोगों की, जो मध्यम धीमे मिजाज के लोग बहुत ज्यादा एग्रेसिव नहीं होते थे, ये अब वाकई नहीं आ रहे। अब तो जिस माँ बाप भी बड़े अग्रेसिव से हो जाते हैं तो कुछ और तो बोल दो यार, तुम जैसे चुप कर कैसे बोल रहे हो? सियासत में आओगे अब्बा को देखा देखी बताओ? वो अपने अब्बा की देखा देखी आए थे? कभी नहीं आऊंगा। क्यों, ऐसा क्या तुमने देखा कि तुमने कहा कभी नहीं आऊंगा मैं? शौक नहीं है सियासत का, शौक नहीं है। तुमने कहा ऐसी सियासत का क्या फायदा जिसमें घर हो ना फैमिली हो कोई भी ना हो? है ना, देखा ये है आज की नस्ल क्या होने वाला है। तेरा बहनों तक जाए ना माइक है। हवे जारा जारा तो आएगी क्या? नहीं बाबा टाइम देते हैं, टाइम देते हैं हाँ, व्हेन ही कैन गिव टाइम वो देते हैं, देते जब तुम लोगों को जरूरत होती है। जबरदस्ती ले लेते हो बाबा पहुंच रहे हैं या फिर घर में रहना है ये वाला? कभी कभार देख सकते हैं कि कब जाना है। बर्थडे से याद रखते हैं या तुम लोगों को नोट लिख के बाहर लगाना पड़ता है? सुनिए कल मेरी सालगिरह याद रख लीजिएगा। अच्छा मुझे ये बताओ, जैसे बहुत सारी डेज आते हैं, मदर डे आया, फादर डे आया, स्पेशल डेज होते हैं हमारी लाइफ के, उनके लिए कभी केक वेक बना के बैठे हुए वेट करें अब्बा आ जाए, कभी ऐसा हुआ कि नहीं पहुँचे? नहीं, कभी कभार व्हेन ही हैज मीटिंग्स पे नहीं आते, कभी व्हेन ही कैन डन आते हैं। आते और वो केक वहीं का वहीं रहता और तुम सारे ही बैठे हो। वो आई शेयरिंग पे चेक हो जाता है, आई शेयरिंग पे चेक हो जाता है कि कब आने वाले हाँ, और कितने मिनट में पहुंच रहे, कितने मिनट में पहुंच रहे, ये पता चल जाता है। ओके, सबसे खामोश हमारी जो बैठी है बड़ी बेटी, इनकी तो जब जो बड़ा होता है घर का वो बड़ा घर को समेट के भी चलता है, इसमें मुझे आपकी बड़ी झलक दिखाई दे रही है। क्या कहोगी, अम्मा के ज्यादा करीब हो अब्बा के? इक्वल है लाइक। यार ये वाकई बड़ा मुश्किल होता है कहना कि किसके, लेकिन मुझे अम्मा की डेथ के बाद पता फील हुआ था कि मैं एक्चुअल पापा के बहुत करीब थी। जब अम्मी की डेथ हुई मुझे सारी जिंदगी लगा कि अम्मी के बगैर मैं कुछ नहीं हूँ, और होता भी ऐसे ही है, लेकिन उनके बाद लगा कि अगर अल्लाह ने करे पापा को कुछ हुआ तो कैसे गुजरेगा। फिर 3 साल बाद वो भी नहीं रहे, तो सीरियसली बाप और बेटी का एक अलग कनेक्शन होता है वो, जिसको हम कभी भी बयान नहीं कर पाते। अपने अब्बा के लिए क्या कहो, क्या स्पेशल चीज़ है इनके अंदर जो दूसरे फादर्स से अलग करती हूँ? वेरी अंडरस्टैंडिंग एंड मैं उनसे कुछ भी चीज़ के बारे में बात कर सकती हूँ। डिस्कस कर लेती हूँ आराम से अपनी प्रॉब्लम्स भी, अपनी चीज़ें भी हैं। अब्बा की तरफ से कोई रिएक्शन नहीं आता, अच्छी सलाह ज़रूर आती होगी कि हाँ नहीं ये सही है ये। करियर्स पे डिस्कशन होती है? करियर, यूनिवर्सिटी, एजुकेशन। इनकी तरफ से कभी कभी कोई फोर्स नहीं आया कि नहीं यार मेरा बड़ा दिल था बेटा मैं तो डॉक्टर नहीं बना, तू ही बन जाओ डॉक्टर? कभी हुआ ऐसा? हुआ था हाँ, बट देन उन्होंने फोर्स नहीं किया। तुम क्या चाहती थी और ये क्या चाहते थे? मैं
कुछ और चाहती थी. तुम क्या चाहती थी बनना? ये तुम्हें मतलब के साइंटिस्ट फील्ड में. हाँ. एंड बाबा कह रहे थे कि डॉक्टर बनो. हाँ. लेकिन फिर मान गए कि चलो अगर तुम्हें नहीं बनना तो नहीं बनूंगा. ये कि आपकी छुपी हुई ख्वाहिश थी वो डॉक्टर बनना है अभी को दिमाग पर. हमने कहा कि घर में एक डॉक्टर तो होना चाहिए. तो होना चाहिए. इसके असल में नाना भी डॉक्टर हैं और भी रिश्तेदार. मेरी छोटी बहन भी डॉक्टर है. तो मैंने कहा कि एक है जिसमें कम से कम उसकी लाइफ स्टेबल कर वो एक अच्छा हो जाता है. और बड़ी माशाल्लाह ए स्टार स्टूडेंट हैं ये माशाल्लाह. और बहुत पूरा वक्त ही पढ़ती रहती है. ये भी माशाल्लाह बच्चे चारों के चारों सब अपने टॉप क्लास. तो इसमें भाभी का बड़ा हाथ होगा क्योंकि आप तो घर पे वैसे कम होते. हाँ, मैं बिल्कुल कम होता हूँ. इन्हीं का क्रेडिट है. और ये खुद भी पढ़ाती हैं. तो स्टडीज इतनी हाईफाई होती जा रही है. मतलब मुझे तो अपने दौर तक की चीजें याद है. हम मैट्रिक ही था ओ ए लेवल्स और अब पता नहीं कहाँ 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 की चीजें जा रहे. तो अब तो पढ़ाना उनके साथ ट्यूशन उनके साथ अकेडमीज उनके साथ चीजें बड़ी इन्वॉल्व हो गई हैं. तो कैसे मैनेज करती हैं घर पढ़ाई बच्चों की और फिर इन सारी चीज़ों को और फिर इनकी मसरूफियात? बस ये अपना मैनेज करते हैं. हम अपना मैनेज करते हैं किसी तरह. फरमाइशें चलती हैं कभी कभी कुछ साल में एक आधी दफा के बेगम आज जरा ये पकवाई लें. जो मिल जाए खा लेते हैं. ना भी मिले तो नहीं खाएंगे. स्वीट मैं खुद बना लेता हूँ. मेरा कोई मसला नहीं है. ओ इज अ कुक. मतलब तो कभी आप लोगों को ट्रीट मिलती है सारे बार? मतलब जैसे कभी बाहर बाहर कभी ऐसे वेकेशंस के लिए निकल पाते हैं या वो भी नहीं निकल पाते? पिछले 5 साल में तो बखैर में एक दफा ही गए हैं हम लोग डिनर वगैरह. नहीं नहीं उसमें बाहर वेकेशंस पे वो वी वेंट टू इराक एंड करबला गए थे ज़ियारत पे. वो कैसे हम भूलेंगे? आपने वहां से ट्वीट कर दिया था जी, नहीं जी ये मैं नहीं मानता. पीएसपी में शमूलियत नहीं हो सकती. नहीं हो सकती आज तक नहीं हो सकती. मैंने जब ये पढ़ा मैंने जैसे जब मुझे ये पता चला कि आप गए ज़ियारतों पे तो मेरे पास आपका नंबर था तो मेरे पता नहीं आपको मेरा व्हाट्सएप मिला नहीं कि मैंने आपको व्हाट्सएप किया था कि रज़ा भाई मुझे दुआ में याद रखिएगा और मेरी भी हाजिरी के लिए दुआ कीजिएगा. तो जब मैंने आपको ट्विटर में कहा रज़ा भाई को देखेंगे वहां आप भी बैठ के इनको ये पैर पे करें कि ये नहीं होना चाहिए. तो सियासत वहां भी दिमाग में चल रही थी? हाँ बिल्कुल चल रही थी. और एक मुझे तो बड़ा शौक हुआ था कि जब इस तरह की एक प्रेस कॉन्फ्रेंस भी साथ हुई थी जी. तो आपको इस बारे में कोई आइडिया नहीं दिया नहीं गया जी था? मुझे मैं जाहिर है मैं तो ज़ियारतों पे था वहाँ पे तो डिस्कशन नहीं हुई थी इसकी. तो हो सकता है ना एक उससे पहले ये जरूर था कि पुश किया जा रहा था कि मिल जाएं लेकिन हम हमेशा से रेजिस्ट कर रहे थे. बट जब मैं नहीं था पीछे ये हो गया तो उसके बाद मैंने भी अपनी रिजेंटमेंट शो की कि जी मैं इसका पार्ट नहीं बन सकता. इस वजह से मैं अलहदा हुआ. फिर उसके बाद फारूक भाई से और बाकी अपने लीडर से अश्योरेंस हुई और उन्होंने भी कहा कि नहीं हम ऐसा कुछ नहीं करने जा रहे हैं क्योंकि 9 तारीख को फिर फारूक भाई भी वापस हो गए. उसी रात बहुत सारा कुछ बहुत ड्रामा क्रिएट हुआ जनाब. लेते हैं छोटे से ब्रेक के बाद वापस आते फैमिली ने काफी सैक्रिफाइस किया इसमें बच्चों ने और वाइफ ने खास तौर पे. आजकल के हालात को देखते हुए अपने बेटे को यही कहा कि बेटा बस अब बिजनेस देख लेते हैं. फैमिली ने काफी सैक्रिफाइस किया इसमें बच्चों ने और वाइफ ने खास तौर पे. आजकल के हालात को देखते हुए अपने बेटे को यही कहा कि बेटा बस अब बिजनेस देख लेते हैं. MQM मेरी सबसे बड़ी सौगंध.
कोई भी इंसान है, अगर उसके घर में आप हमला करेंगे तो वो रिएक्ट करेगा। मैंने तो अपना यही खो दिया। वेलकम बैक नाज़रीन, वापस आ चुके हैं हम और इस वक्त मौजूद हैं हम ऑफ कोर्स लंच टाइम में, तो लंच कर रहे हैं और सबसे बड़े मज़े की बात है कि तो रज़ा भाई के वालिद साहब हमारे साथ मौजूद हैं, तो उन्हें वेलकम करेंगे। सर अस्सलाम वालेकुम। एंड थैंक यू सो मच कि आपने हमें टाइम दिया और हमें डाइनिंग टेबल पर ज्वाइन किया, क्योंकि सीनियर पॉलिटिशियन के होते हुए तो जूनियर से बात करना बनता ही नहीं है। सारा दिन हमने इनके साथ गुजारता है खाना खाते हुए। वैसे तो बड़े बूढ़े कहते हैं सर कि बात नहीं करनी चाहिए, लेकिन क्योंकि इसके बाद आप मुझे मिलेंगे नहीं और ये मौका मैं अपने हाथ से जाने दूंगी नहीं। इस वक्त की करंट सिचुएशन को देख के आपने अपने बेटे को क्या मशवरा दिया है कि क्या होना चाहिए? मैंने तो आपको पता है ना कि आप सीनियर पॉलिटिशियन भी कह रही हैं और शायद समझ रही हैं कि मैं बहुत पॉलिटिक्स में इन्वॉल्व होगा, लेकिन बेसिकली आई एम मोर टुवर्ड्स माय बिजनेस नाउ। नाउ ना थे तो ना था तो मैं इसलिए सीनियर कह रही हूं ना। था जरूर, और मैंने भी आजकल के हालात को देखते हुए अपने बेटे को यही कहा कि बेटा बस अब बिजनेस है, अब वापस बिजनेस में आ। रजा भाई अब ये भरी बात भी सुन ले, भाभी कितनी खुश हुई, दिल से निवाला उन्होंने खाया है ये कि बाबूजी क्या बात की आपने। और उसकी वजूहात है आपको पता है जी कि दूसरी तौर पे पाकिस्तान में जो पॉलिटिकल माहौल है वो तो आपको पता ही है, इट्स मैनेज्ड माहौल है, कोई फ्री माहौल तो है नहीं। सही। अच्छा, इस मैनेज्ड माहौल के अंदर जो है वो खुसूसी तौर पे मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट जिससे हमारा सबका ताल्लुक रहा है जी, उसका बुरा हाल कर दिया गया है, कुछ हमने खुद कुछ करने वालों ने। सही, कितना आसान होता है रजा भाई कि कर दिया गया है, मतलब हम बच्चे हैं कि हमारे पास कोई भी आएगा और हमारा बुरा हाल कर देगा। बात यह है कि असल में एक जमाने में मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट के ऊपर ये इल्जाम लगा करता था कि इनके सेक्टर वाले जो है ना जी वो टीटी लेके जो मर्जी आते हैं काम करा देते हैं, तो आजकल हमारे सर को हो सकता है पीटी ना हो, AK-47 हो, हम क्या करें। अब मैं अपने शहर के बारे में क्या कहूँ, मैं कुछ भी नहीं कह सकती जनाब। खाने की तरफ वापस ही आ जाते हैं, सियासी गुफ्तगू छोड़ देते हैं, भूखे होते हुए बड़ा मुश्किल हो जाएगा सारे सवाल करना। अच्छा, रेस्टोरेंट भी रन करते हैं आप, तो खानों की चॉइस भी एक होती होगी घर में भी और बाहर भी, तो रेस्टोरेंट में किस तरह के खाने? अंकल आपका भी है कोई इंटरेस्ट इनके रेस्टोरेंट के साथ? नहीं, इनके रेस्टोरेंट का सिर्फ इतना मेरा है कि वो जो जगह है वो मैंने खरीदी थी, बस मैं हूँ उसका ओनर। ओनर हूँ या नहीं ये एक अलग बात, मैंने क्या खरीदी थी मैंने, सही। अली को गिफ्ट कर दी थी। और भाभी का कितना इंटरेस्ट है? मेरा तो बहुत है, खाने में, पकाने में भी और खिलाने में भी। खाना हमारे यहाँ जो मैंने जब रेस्टोरेंट शुरू किया था 2010 में तो सिर्फ दो आइटम्स थे, फिश बिरयानी थी और प्रॉन बिरयानी हुआ करती थी, और घर पे जो हमारा कुक था उसी को लेके गया था, उसी से शुरू कराया। अब अल्लाह ताला ने हाथ पकड़ा, थोड़ा एक्सपेंड होता रहा, वो वहीं पे उसी में मैं फिर दो दुकानें और ली। सही। और पहले तो हम लोग एक साल तो सिर्फ सी फूड के ही आइटम्स रखते थे, ना चिकन ना, क्योंकि सी फूड का आप लोग अपना भी एक बिजनेस रहा है, क्योंकि वो है सी फूड प्रोसेसिंग फैक्ट्री जी और एक्सपोर्ट का है, तो साल तक तो सिर्फ सी फूड रहा, लेकिन उसके बाद फिर हमने उसमें आइटम्स ऐड किए और अब तकरीबन 200 से ज्यादा प्रोडक्ट्स हैं जो आइटम्स हैं। मुझे बताएं ये वाली चटनी मिलेगी आपकी वहाँ? ये वाली तो घर की है, ये घर की खास चटनी है। ये घर वाली कुछ रेसिपीज आप अपने रेस्टोरेंट से क्यों नहीं शेयर करते? हाँ बिल्कुल, वो जो घर का, यू गाइस कांट इमेजिन कि इस चटनी का जो टेस्ट है, मैं ये रोटी से चटनी से खा रही हूँ। ये देखें, इसमें भाभी से मैं रेसिपी भी पूछ लेती हूँ। इसमें लहसुन भाभी का और हरी मिर्ची और लहसुन पिसा हुआ, नमक और बस, पुदीना भी। और ये बिल्कुल साबित साबित सा है। एक तो हमारे घर में वो ना पीस के बेचारे के दम ही निकाल देते हम खानों को पका पका के, उसका मेरे मियाँ क्योंकि बाय प्रोफेशनल इज अ शेफ,
तो हमारे इटालियन रेस्टोरेंट्स हैं जर्मनी में, तो अब होता ये है कि वो तो कहते हैं तुम लोगों का काम सिर्फ ये कि खाने को इतना भूनो जब वो दम निकल जाए फिर उसको खाओ, तो ये एक बड़ा मसला है। मुझे बड़ा यूजुअली ब्लेंचिंग होती है सिर्फ खाने को, अगर इवन मीट होता है तो उसको सी फूड में भी अगर आप देखें प्रॉन्स को तो वहाँ पे गर्म पानी में अगर वो बॉइल हो रहा होगा बस 20 सेकंड के लिए रखेंगे और निकाल देंगे और दैट विल बी इट्स ओरिजिनल टेस्ट। हमारे यहाँ जरा थोड़ा सा हम पकाते हैं उसको और अपने एक टेस्ट डेवलप करते हैं, बट मैं आपको एक मशवरा एज अ प्लीज वाली चटनी जरूर अपने रेस्टोरेंट में रखें। मेरे पास और बहुत सारी चटनी है, वहाँ पे एक सुनामी चटनी भी है हमारे पास, जो कि खान साहब जब आए थे 2013 में तो वो सुनामी बहुत करते थे। जी जी, तो मेरे पास भी एक सुनामी मिर्च जो कि असम में ग्रो करती जी है। जी 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 बिल्कुल, कुछ जुलोकिया उसका नाम है और बहुत तेज तेज होती है वो, लेकिन उसकी मिर्चें लगती तो बहुत तेज है लेकिन उसका कोई बाद में कोई इतना खराब इफेक्ट नहीं होता, नहीं होता कि आप बार बार भाग रहे हो। सुनामी का मैंने उसी से एसोसिएट करके उसका नाम दिया कि जब शुरू में तो आएगी तो बहुत मिर्चें लगेंगी, वो तो चीज सामने होगी लेकिन असर उसका कुछ नहीं होगा और वही 5 साल यानी कि अब आपके रेस्टोरेंट में अगले ही जो चटनी आ रही है वो है दो नहीं एक पाकिस्तान, या फिर मुझे क्यों निकाला चटनी होगी। हाँ, ये दो चटनी आनी चाहिए। हाँ, एक है जी आ जाती है आप ऑर्डर करके देंगे यार ये खाना और मुझे क्यों निकाला। हाँ, वो खुद ही समझ जाएंगे कि क्यों निकाला, चटनी आपको लानी है और दो नहीं यार एक ले आइएगा, दो नहीं एक वाली चटनी चाहिए। वो उसके पीछे उस तरह वो चटनी बनी थी वहाँ पे। वाह जबरदस्त, देखिए कुछ चीजों के पीछे क्या हिस्ट्री होती है। अब देखिए खान साहब ना होते ना वो सुनामी का नारा लगाते ना ये चटनी बनती, तो अब थैंक यू तो बोल रहे खान साहब को सुनामी चटनी का थैंक यू कहता खान साहब थैंक यू सो मच, आपकी वजह से सुनामी चटनी बनी है। आप जरा सुनामी चटनी से सुनामी की तरफ आते हैं क्योंकि असल सुनामी तो इन लोगों ने देखा हुआ है और उस दौर में देखा हुआ है जब MQM की पावर थी, एक पावर खैर आज भी मैं यही कहूँगी कि है, बस थोड़ी सी बिखरी हुई है कहीं ना कहीं, आपको लगता है ना कहीं सब सिमट जाएगा। सिमट जाना चाहिए मगर PSP का जहाँ तक ताल्लुक है उन्होंने शुरू करते ही जिस तरह से अपना रवैया रखा तो हो सकता है वो शायद थोड़ा उस में शामिल ना हो, लेकिन उनके लोग वहाँ से छोड़ के वापस आएंगे। आमिर खान साहब के लिए कुछ कहना चाहेंगे, कोई मशवरा उनको, क्योंकि वो भी आपके बच्चों की तरह ही है। आमिर खान साहब को असल में ये बात सोचनी चाहिए कि जब वो 92 में अलग हुए थे जी और उसके बाद जिस तरह से वो मारधाड़ में या पत्थरगिरी में शामिल थे जी और उसके बाद उनको जब माफी दे दी गई थी सही और वो वापस अपने बेस पे आ गए थे तो उसके बाद दोबारा उनको जो है अपने आप को ऐसी चीज में नहीं इन्वॉल्व करना चाहिए था जिससे पार्टी डिवाइड होती। वैसा भाई अगेन मैं इसी बात पर आऊंगी, देखिए माफी दे दी गई थी यानी कि माफी तो पार्टी ने दी ना, जिनके बच्चे मरे थे उस वक्त जो लोग मारे गए थे उनकी सजा फिर कहाँ गई, यही तो मेरा उस वक्त भी सवाल था और अभी भी मेरा यही सवाल है। उस वक्त ये हुआ था कि अल्ताफ भाई ने भी उनसे ये कहा था कि मैं ना माफी नहीं दे रहा, कारकुन माफी नहीं देंगे, शहीदों की फैमिली को खड़ा किया था और उनसे माफी दिलवाई थी। मगर बहरहाल आप कह सकती हैं कि जब आपको पता है बहुत से माहौल सिस्टम के होते हैं वहां जब कह दिया जाता है कि भाई आपने ये कहना तो कह देते हैं बेचारे, क्योंकि शहीदों के साथ आपको मैं बताऊं कि MQM के अंदर बड़ा अच्छा रवैया रखा गया है हमेशा से, जब ये पूरी फिल्म पार्टी यानी इनको सबको महाना भी किया जाता था, क्योंकि हर MLA MQM का 6,500 रुपये मेरे जमाने में था, पता नहीं इन लोगों के जमाने में क्या था, वो पर मंथ अपनी तनख्वाह में से 90 रुपये जमा कराया करता था जो कि शोधा फंड कहलाता था। अच्छा, और उसके अलावा जो MQF का पैसा आता था उसमें से मिला मिलू के यानी हर शहीद के घर में जो है वो पैसे जाया करते थे। अभी भी यही कोई तरीका है इसका? अभी भी है शोधा फंड अभी भी हमारे पास और 12,000 देते हैं मंथली और उससे वो बाकायदगी से शोधा के घरों पर। अब जरूर कुछ फैमिलीज पे ये जो बिखरी है इसकी वजह से प्रॉब्लम्स आई हों, लेकिन हम हत्तुल इम्कान कोशिश करते हैं कि जितने भी शोधा जो हमारे पास हैं उनकी फैमिलीज को कम से कम मेंटेन किया जा सके। तो आपकी बात के जवाब में मैं ये कहूँगा कि जब ये फैमिलीज
अंडर ऑब्लिगेशन होती है पार्टी, और उनको पता होता है कि पार्टी जो है वो इन साहब को माफ करना चाह रही है, तो मैं समझता हूँ कि कोई बागियाना आवाज निकलती नहीं निकलती नहीं। तो क्या उनको हकीकतन हरेक ने दिल से माफ कर दिया था, ये जरा सोचने की बात है। ये बात जो है ना, ये तो अल्लाह मियां के जाके, ये अल्लाह मियां के जाके पता चलेगी जनाब। और इसके अलावा बहुत सारी ऐसी बातें जो मेरे पास मौजूद हैं वो मुझे जरूर जाननी है, लेकिन क्या करें जनाब, देना पड़ेगा एक छोटा सा ब्रेक। बहुत सारी ऐसी बातें हैं जिन पे रोशनी डालनी बहुत जरूरी है, लेकिन छोटे से ब्रेक के बाद। फैमिली ने काफ़ी सेक्रीफाइस किया है इसमें, बच्चों ने और वाइफ ने खास तौर पे। कोई भी इंसान है अगर उसके घर में आप हमला करेंगे तो वो रिएक्ट करेगा। फैमिली ने काफी सेक्रीफाइस किया इसमें, बच्चों ने और वाइफ ने खास तौर पे। आजकल के हालात को देखते हुए अपने बेटे को यही कहा कि बेटा बस अब बिजनेस है। मेरी सबसे बड़ी सौगंद। कोई भी इंसान है अगर उसके घर में आप हमला करेंगे तो वो रिएक्ट करेगा। मैंने तो तब यही खो दिया। आपके बिजनेस बिल्कुल डिफरेंट और चॉइस आपकी बिल्कुल डिफरेंट, मतलब ये समझ से बाहर है कि काम कुछ और कर रहे हैं और सियासत में आना, मतलब ये कैसे, क्या सोचा हुआ था इस कॉलेज स्कूल के ज़माने में, किसी उसमें थे कॉलेज में? मैं एसएम कॉमर्स कॉलेज में था, तो उस वक्त जब इंटर कर रहा था तो APMSO में शमूलियत की थी, और 88, 89 और 90 में APMSO में थे। फिर 91, 92 में मैं DHA डिग्री कॉलेज में चला गया, तो वहाँ पॉलिटिकल पार्टीज अलाउड नहीं थी, लेकिन फिर भी हमदर्दियाँ थी और पार्टी के और APMSO के जितने भी इवेंट्स होते थे उसमें ज़रूर जाता था। फिर 93 में अमेरिका चला गया और 97 में वापस आके ज़्यादातर तवज्जो बिजनेस पे वालिद साहब के साथ उस पे दी, लेकिन उसके साथ साथ सियासत का शौक था। तो कभी कोई इतराज़ात नहीं है वालिद साहब के, बेटा अच्छा खासा काम करो, ये क्या? हमारे तो ये कहते हैं ना, ये शरीफों का कहाँ काम है, कहा जाता है ना ये। असल में बेटा अपने वालिद से ही सीखता है, वो खुद भी बहुत ज्यादा सियासत में इन्वॉल्व थे। तो उनको देखते हुए साथ में जाहिर है मेरी भी इंटरेस्ट रही है। हम 12 मई को नहीं मानते, हम किसी चीज को नहीं मानते। नहीं, मैं ऐसा नहीं, किस चीज को? देखिए, ये तो जाहिर है कुछ गलत चीजें थी जो साथ में अटैच हुई थी, हुई थी ना, सुनिए, लेकिन इसमें सारी इल्जाम MQM का भी नहीं है। आपको, आप लोग ये क्यों भूल जाते हैं कि 12 मई जब हुआ था और इससे पहले भी जब 92 में ऑपरेशन हुआ था, फिर 94 में नसीरुल्लाह बाबर का ऑपरेशन हुआ था, तो क्या वो MQM के ऊपर सही हुआ था? उस वक्त तक जब 84 में जब MQM बनी थी, 86 में इलेक्शन लड़ा था, फिर आपके पास मेयर आया था, कराची पीसफुल चल रहा था, चलते चलते 92 में सबसे पहले आपने ये ऑपरेशन किया, मतलब अग्रेशन हुई तो उसका रिएक्शन हुआ, यानी कि रिएक्शन मान रहे हैं ना, रिएक्शन ऐसा कैसा रिएक्शन आ गया? रिएक्शन क्यों नहीं होता जी, आप जाए किसी पख्तून के घर में जाइए, आप किसी पंजाबी के किसी और के घर में जाइए, उसके घर में जाके उसको जरा तंग कीजिए, फिर देखें वो क्या करता है आपके साथ। या कोई भी इंसान है अगर उसके घर में आप हमला करेंगे तो वो रिएक्ट करेगा।
ओके जनाब, अब क्योंकि घर से हम खुदाफिस हो रहे हैं और अपने सफर पे जा रहे हैं, जो मैं हमेशा कहती हूँ ये इंग्लिश वाला नहीं उर्दू वाला सफर है, तो हम चलेंगे अपने सफर पे। लेकिन उससे पहले मुझे यहाँ सबको खुदाफिस, थैंक यू सो मच अंकल, थैंक यू सो मच भाभी, एंड थैंक यू सो मच। आपको पता है इसके अंदर क्या है? ये मेरे लिए बहुत अजीज है क्योंकि इसके अंदर चटनी है और मदीना से आए हुए खजूर है, तो वो मेरे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है जनाब। सो थैंक यू सो मच, मोहब्बत का ये डब्बा मैं भेजती रहूंगी और भर भर के आता रहेगा। भाभी ने ऑफर किया मुझे, बता रही हूँ मैं। आई सर प्लीज। ओके जी, खुदा हाफिज। आपको लगता है कि मुस्तफा कमाल साहब के साथ कोई आगे जाके बेहतरी की तरफ हालात आ सकते हैं, या उनको शायद रियलाइजेशन हो? देखिए, मुस्तफा कमाल ने जो स्टैंड लिया है और जिस तरीके से लिया था जब वो आए थे, वो अगर ये कहते कि मैं इंडिपेंडेंटली नहीं, कि मैं इंडिपेंडेंटली अलग से एक अपनी पार्टी बनाना चाहता हूँ, मेरे अख्तलाफात थे MQM से, और बुरा भला या सारी चीज़ें ऐसी ना कहते तो शायद उनके साथ अवाम अटैच भी हो जाती। लेकिन उन्होंने जब से ही जैसी गाली दी या फिर बुरा कहा, उसमें लोगों को समझ में आ गया कि किसी एजेंडा पे आए हैं और ये किसी मकसद से आए हैं। इस वजह से कराची बहुत होशियार है इन सिचुएशन। नहीं, अब तो बड़े लोग होशियार हैं। हाँ, तो हमें लगता है कि अवाम बेवकूफ़ है, अवाम बिल्कुल बेवकूफ़ नहीं है। नहीं, अवाम को पता है कि कौन किसके इशारों पे आता है, कैसे नाच रहा होता है। आखिरी मिनट से मैं चाहूंगी कि आप क्या कहना चाहेंगे, ताकि उसके बाद मैं अपनी आवाम से इजाजत दूं और इनकी गुफ्तगू के साथ जनाब इजाजत लेंगे। जी रजा भाई, मैं ये कहूंगा कि मैंने 5 साल गुजारे और मैंने इसका सिस्टम देखा अभी, और मैं सख्त इससे नाराज हूं इस सिस्टम से, और मैं चाहूंगा कि हम मिनिमम कॉमन एजेंडास कम अज़ कम अपने तय कर लें सारी पार्टीज, कि हम अपनी सियासत बेशक ऊपर करते रहें लेकिन जो डेवलपमेंट के गोल्स हैं और जो उसकी प्लानिंग होती है, उसको कम अज़ कम हम ब्यूरोक्रेसी को ऐसा कंट्रोल करें, ऐसा सिस्टम डेवलप करें कि वो कंटिन्यूएशन में चलते रहें, वो ना रुकें। हम ये जो सियासत की नज़र करके कि ये प्रोजेक्ट इसने इसकी पीसीए से हुआ तो मैं उस पर झंडा लगा दूंगा या मैं उसको नहीं होने दूंगा, ये चीज़ों से हम लोग बाहर निकलें। एक सारी पार्टियों में झंडे लगा दें लेकिन काम होने दें, एक कलेक्टिव सोच के साथ हम इन चीज़ों से बालाए ताक होके दूसरी कामों पे काम तवज्जा दें, सियासत करें तो वो ज़्यादा बेहतर है, ताकि आवाम के जो बेसिक नेसेसिटीज़ हैं वो उनकी जिम्मेदारी है, उनका हक है, वो उनको मिलना चाहिए। दैट्स अ पॉजिटिव नोट जनाब, कि अपनी आवाम के बारे में सोचना है, अपने लोगों के बारे में सोचना है, जब अब तक आप लोग सिर्फ अपने बारे में सोचते हैं।